लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए 15 मिनट का वो वक्त आ गया है जिसकी पिछले कई महीनों से वो मांग कर रहे थे। इस दौरान वह मोदी सरकार पर खूब बरसते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में वह खुद ही हंसी का पात्र बन गए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि पीएम बाहर नहीं जाते, जिसे सुनते ही मोदी ठहाके मारकर हंसने लगे, जिसके तुरंत बाद राहुल ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बाहर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ ओबामा जी से मिलने, ट्रंप जी से मिलने। उनके इस भाषण के बाद पूरे सदन में हंसी गूंज गई। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात जारी रखी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मोदी ईमानदार नहीं रहे, इसलिए वह मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि मैंने साफ साफ बोला है, इसलिए मोदी मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने नोटबंदी का मामला उठाते हुए कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री को कहां से मैसेज आया कि उन्होंने रात 8 बजे नोटबंदी कर दी। मैं सूरत गया, वहां के व्यापारियों से मिला, वहां उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले से हमें सबसे ज्यादा चोट लगी है। राहुल गांधी की इस बात पर पीएम मोदी फिर मुस्कुरा उठे। दरअसल गुजरात चुनाव के वक्त कांग्रेस को सूरत समेत सभी बड़े शहरों में हार का मुंह देखना पड़ा था। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।